जिम सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड क्या क्या करेंगे, तो हम आपको यहाँ पे जिम के जो भी हम जिम में हम जो भी आपको पढ़ाएंगे ये सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स होगा। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको हमारे भगत टेक्नो के ऐप पे मिलेगा, वहां पे आपको रिक्वेस्ट के थ्रू से हम आपको ऐड कर देंगे, प्ले स्टोर में अवेलेबल है। क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको बता दूंगा भगत टेक्नो का ऐप के बारे में और आपको ऐड करके दे दूंगा, तो वहां से आपको वीडियो का एक्सेस मिल जाएगा। आपको ये सेशन का तो वीडियो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको इससे पुराने सेशन का भी वीडियो मिलेगा पूरा का पूरा, तो आप दो सेशन का वीडियो आपको एक्सेस करने को मिलेगा, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम आए तो आप वो वीडियो देख के अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा, आपके जो भी हमारे पास जो जेम का हम ट्रेनिंग्स के दौरान पढ़ाएंगे इसके सबके आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। पीडीएफ का नोट्स आपको मिलेगा, ये सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा, ग्रुप में आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप के, और फिर वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। कुछ पीडीएफ फाइल्स होंगे जो आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से आपको डाउनलोड करने को मिलेगा। ये आपको आगे बीड बनाने में या फिर बाकी के सभी प्रोसेस में काम आएंगे। अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। थर्ड है, आपको व्हाट्सएप के ग्रुप है हमारे पास, मतलब अलग अलग ग्रुप्स है जहाँ पे एक ग्रुप्स में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपको जेम के ट्रेनिंग के बाद कुछ प्रॉब्लम रहा तो आप हमसे डायरेक्ट उस ग्रुप के थ्रू से चैट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी, पर्सनल नंबर भी आपको दे दिया जाएगा, इनकेस प्रॉब्लम आया आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू से भी आप मुझे क्वेरी पूछ सकते हैं, तो वहां से मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। रिप्लाई का टाइम थोड़ा ज्यादा रहेगा, कभी अर्जेंट बेसिस पे हो सकता है कि रिप्लाई दे दूं, कभी थोड़ा टाइम लगेगा, पर ग्रुप में कैसे होते हैं बाकी भी लोग एक्टिव रहते हैं, तो मैं यदि नहीं भी रहा अवेलेबल तो भी बाकी के लोग आपको ग्रुप में रिप्लाई दे देते हैं। ये आपके पास, ये सभी ट्रेनिंग के बाद आपके सपोर्ट सिस्टम चालू रहेंगे। एक क्वेरी है जैन सर का, मैं आपको उनका लेता हूं। जैन सर बोलिए। जैन सर, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ नोट्स जो अपने रहेंगे वो इंग्लिश बेसिस रहेंगे या हिंदी रहेंगे या दोनों रहेंगे? इंग्लिश में रहेंगे, इंग्लिश में रहेंगे, ये इंग्लिश में रहेंगे, एकदम इजी रहेगा, ग्राफिक्स के साथ रहेगा। जैसे ये वाला है, आपको लॉगिन कैसे करना है, तो यहाँ पे लॉगिन का बटन आपको बताया दिया जाएगा, जो आप यहाँ से जाके यहाँ क्लिक करके लॉगिन करना है। ठीक है, एकदम प्रॉपर रहेगा, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ओके सर, ओके। बाद में आपके पास वीडियो भी है, आप बाकी का वीडियो से भी देख सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं इसके। ये हमारा, हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे ये मैंने आपको बताया। अभी हम लोग जेम के सिलेबस और जेम क्या है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला जेम, देखिए जेम पे हम प्रोडक्ट और सर्विसेज कर सकते हैं। यदि हम टेंडर्स के बात करेंगे, बीड का कोई भी पोर्टल ले लेंगे, सीपीपी का पोर्टल ले लेते हैं, प्रोक्योरमेंट में, प्रोक्योरमेंट यदि आप लोगों ने कभी सीपीपी में टेंडर भरा है, या फिर आपके एरिया में कोई भी के स्टेट का लेवल का टेंडर भरा है, तो आपको ऐसे पोर्टल्स आपको नजर आते हैं। इस पोर्टल्स में आपको क्या होता है, इसमें तीन टेंडर्स होते हैं अलग अलग। यदि आप यहाँ पे टेंडर भरना चाहते हैं तो इसमें, हम लोग अभी तक इसी में टेंडर भरते थे, इसमें तीन टेंडर्स होते हैं। एक होता है गुड्स, एक होता है वर्क, और होता है एक सर्विसेज। गुड्स मतलब कोई भी प्रोडक्ट मेटेरियल हम देना चाहते हैं, जैसे ये लैपटॉप है मेरे पास, मोबाइल है, फ्रिज है, एसी है, कंप्यूटर है, स्पीकर है, चार्जर है, कोई भी चीज, लाइट है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग है, कोई भी प्रोडक्ट हम जब सप्लाई करना चाहते हैं किसी को, तो ये गुड्स बोलते हैं या प्रोडक्ट बोलते हैं। ये हो गया प्रोडक्ट का सेक्शन। यदि हम लोग यहाँ पे सर्विसेज की बात करेंगे, तो कोई मैन सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे कि मैन पावर, कोई भी हम लेबर, सिक्योरिटी गार्ड या कोई भी मैन पावर आदमी हम जब प्रोवाइड करते हैं किसी को, इसको बोलते हैं सर्विसेज। साथ में एएमसी भी सर्विसेज में आता है, कोई एएमसी वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्यूटर के लिए एएमसी गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, कार दे रहे हैं हायर पे, तो ये सब सर्विसेज है। तो ऐसे जो सर्विसेज है वो भी रहता है। और थर्ड होता है वर्क, वर्क मतलब काम, कोई बिल्डिंग बांध देना, आपके गाँव में कोई कर्नल बांध देना, छोटे ब्रिजेस बांधना, कोई मंदिर बांध देना, या फिर आपको अलग अलग चीजें, आंगनबाड़ी का बिल्डिंग बांधना, रोड का काम करना, रोड वर्क ऐसे हम लोग बोलते हैं, स्कूल बिल्डिंग वर्क ऐसा। तो ये जो भी चीज है ये सबको हम लोग वर्क बोलते हैं, जहां पे काम होता है। तो ऐसे तीन टाइप के टेंडर होते हैं। तो
यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेस है, देखो यहाँ पे एक सर्विसेस है और दूसरा है प्रोडक्ट, तो एक आपको प्रोडक्ट मिलेगा और एक सर्विसेस मिलेगा, तो यहाँ पे दो ही चीजें आती है, एक प्रोडक्ट और सर्विस। यहाँ वर्क का टेंडर नहीं होता, वर्क का टेंडर नहीं होता, काम नहीं आता, काम के लिए आपको सीपीपी ही मिलेगा यहाँ पे, इसके ट्रेनिंग्स अलग है। तो हम यहाँ पे सिर्फ जेम आपको पढ़ाएंगे, जेम के पोर्टल्स के पूरे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, हम यहाँ पे सीपीपी या दूसरा कोई भी प्रोक्योरमेंट के पोर्टल के बारे में यहाँ पे नहीं बताते। हाँ, इंट्रोडक्शन के तौर पे थोड़ा बताएंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेस है, यहाँ पे वर्क नहीं है, दो पार्ट यहाँ पे याद रखो, प्रोडक्ट एंड सर्विसेस। प्रोडक्ट, अभी ये पहले हम लोग आते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट्स जब दिखता है तो ये जेम जो है ये मार्केट है, एक गवर्नमेंट ई मार्केट, जेम मतलब फुल फॉर्म बोलते हैं मार्केट है, ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह, जैसे कि अमेजन, हम लोग अमेजन को ले लेते, अमेजन डॉट, ये कैसा हो गया, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है पर ये प्राइवेट है, ये क्या है, गवर्नमेंट है ना। हम यहाँ पे अमेजन पे कोई भी चीज बेच सकते हैं और कोई भी चीज खरीद भी सकते हैं, आप यहाँ पे बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हो, पर जेम पे ऐसा नहीं, जेम पे सिर्फ आप यहाँ पे बेच सकते हो, खरीद नहीं सकते, जेम पे कोई भी चीज आप खरीद नहीं सकते, खरीद कौन सकता है, सिर्फ गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट यहाँ पे खरीद सकता है, आप यहाँ पे कोई भी जेम पे कोई भी चीज बेच नहीं सकते, सिर्फ खरीद सकते हो, यहाँ पे आप कोई भी चीज खरीद सकते हो और बेच सकते हो। यहाँ पर प्रोडक्ट और यहाँ का प्रोडक्ट सिमिलर जैसा है, जैसे कि आपको यहाँ पे कोई चीज चाहिए तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे सर्च कर देते हैं, मुझे कोई भी अमेजन से चीज चाहिए, आप लोगों में बताओ कोई भी प्रोडक्ट बताओ, किसी का कोई प्रोडक्ट होगा तो बताइए, पेन ड्राइव ओके, हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं पेन ड्राइव, और हम लोग पेन ड्राइव बोल के सर्च कर देते हैं, पेन ड्राइव का रिगार्डिंग आ गया, पेन ड्राइव कैसा है, 128 GB, 30 GB प्लस, 32 GB, जो भी इसमें कीवर्ड्स डाले हुए वो आपको आ गया, पेन ड्राइव 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB एंड मोर, हमको सिर्फ पेन ड्राइव देखना है, तो पेन ड्राइव, तो यहाँ पे देखो आपको पेन ड्राइव दिखना चालू हो जाता है। यहाँ पे रेट्स आते हैं, कौन से कंपनी का है ये आता है, इनका रेटिंग आता है, कैसा रेटिंग है, आपको कब तक मिलेगा ये आपको आ जाता है। यहाँ पे हम लोग एज ए सेलर देख रहे हैं, एज ए बायर देख रहे हैं, हमको खरीदना है एज ए बायर, ठीक है। यहाँ पे कुछ फिल्टर्स है, आप ये फिल्टर्स यूज कर सकते हो, जैसे मुझे आपको कुछ चाहिए तो आप इसका फिल्टर यूज कर सकते हो, जो मुझे यहाँ पे डिस्काउंट इतना परसेंट चाहिए या इतना पेन ड्राइव चाहिए, मुझे 32 GB का चाहिए, तो यहाँ पे जैसे मैंने 32 GB डाला यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल्टर मार देता है। ये आप लोग इसके बारे में फेमिलियर हो, मतलब जानते हो इसके बारे में, इसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज है, तो यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट को देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट मुझे पसंद आया, अच्छी लग रही है तो पसंद आया, तो हमको इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। इसका MRP है 1195 रुपए, 1195, ये अपने को 700 रुपए मिल रहा है, मतलब मुझे 42% डिस्काउंट में ये प्रोडक्ट मिल रहा है, और यहाँ पे और भी आपको डिटेल्स में अवेलेबल हो रहा है, और भी कोई यदि इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो आपको यहाँ पे नीचे दिख जाता है जो और भी कोई लोग इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं क्या, ये सिर्फ एक ही आदमी बेच रहा है, सोल्यूशन प्रोवाइडेड लिमिटेड, तो एक आदमी ही बेच रहा है, और यदि कोई बेचता होता तो यहाँ पे उसका नाम डिस्प्ले हो जाता और उसका रेट भी पता चलता था, पर यहाँ पे रेट किसका दिखता था, जो सबसे कम रेट में बेचता है उसका ही रेट आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और इस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये 32 GB का है, वुडन कार्ट है, इसमें अलग अलग भी है, और इसका कलर ब्राउन है, 32 GB का है, ब्रांड ईओ कंपनी का, यूएसबी 2.0 में काम करता है, और इस प्रोडक्ट का पूरा स्पेसिफिकेशन, इसके पिक्चर्स वगैरह आपको यहाँ पे दिखते हैं, सेम जेम पे भी है, अभी जेम पे भी हम लोग पेन ड्राइव देखते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पेन ड्राइव बोल के सर्च कर देते हैं, अपने को प्रोडक्ट में पेन ड्राइव मिल जाएगा। जेम गवर्नमेंट का साइड है, थोड़ा स्लो चलेगा, अभी अमेजन जैसा एकदम फास्ट की उम्मीद मत रखो, तो यहाँ पे भी आपको पेन ड्राइव मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको पेन ड्राइव, अभी मुझे लग रहा है कि मुझे ये पेन ड्राइव पसंद है, ये पेन ड्राइव डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी आपको समझना होता है, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, अभी ये पेन ड्राइव आपको पसंद आया तो ये किस कैटेगरी में है, तो ये है पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव, ये कैटेगरी का, पेन ड्राइव के अंदर जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो किस कैटेगरी में आएगा, पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव, ये कैटेगरी, ये उस भी प्रोडक्ट का आपको रहेगा, उस प्रोडक्ट का आपको कैटेगरी पता होना, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटेगरी। अभी आपको कभी भी पेन ड्राइव चाहिए तो आप डायरेक्टली डाल सकते हो, ऑल कैटेगरी में जाओ, यहाँ पे डाल दो पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव, देखो आगे
अभी यहाँ पे हम लोग सूज कर लेंगे इस कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। अभी इस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग यदि बात करेंगे तो अभी मुझे कोई भी प्रोडक्ट मुझे लग रहा है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, सोनी कंपनी का है। यहाँ पर भी आपको इसका प्राइस, एमआरपी, कितना क्वांटिटी मिलेगा, इसके रेटिंग वगैरह सब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। इस पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे बाकी के इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, जैसे कि यह प्रोडक्ट का भी सेम, कौन बेच रहा है, इसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, ये सब मेक इन इंडिया वगैरह ये हम लोग आगे समझाएंगे आपको। प्रोडक्ट आईडी, इसके पास कितना स्टॉक है, ये आपका इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, स्टोरेज क्या है, कलर क्या है, देखो सेम वैसा ही जैसे कि अमेज़न पे था, सेम आपको दिखना चालू हो जाता है। अभी ये भी प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट और कौन कौन बेच रहा है, जैसे कि अमेज़न पे यहाँ पे दिखता है, ऐसे यहाँ पर भी दिखता है। तो यहाँ पे कहाँ दिखेगा, यहाँ पे किसका रेट दिख रहा है, जो सबसे कम रेट में बेच रहा है, मैंने पहले भी बताया जैसे अमेज़न में ऐसा ही। ये प्रोडक्ट को और कितने लोग बेच रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जाना व्यू सेलर डिटेल्स। तो देखो ये प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट को दो लोग बेच रहे हैं, ये 819 में बेच रहा है और ये वाला 820 में बेच रहा है। ये भी ऑल ओवर इंडिया बेच रहा है, ये भी ऑल ओवर इंडिया। इसके पास 500 स्टॉक है, इसके पास 1991 स्टॉक है, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे भी दिखना चालू हो जाता है, पर किसको नाम लिखेगा यहाँ पे, जो सबसे कम रेट में दिख दे रहा है, सेम ऐसा प्रोडक्ट का है। ऐसे ही आपको सर्विसेज का भी आता है, यदि आप सर्विसेज में है तो आपको सर्विसेज में भी आता है। सर्विसेज में आप रेट वगैरह नहीं दिखता, जो सर्विसेज है वो आप अपने अकॉर्डिंगली रेट में डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सर्विसेज डाल दिया, मैन पावर सब, मैन पावर फैकल्टी मैनेजर है, मैन पावर डाल दिया हम लोगों ने, मैन पावर बेस। तो यहाँ पे मुझे उसका कैटेगरी पता चल जाएगा, ये मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखो मैन पावर का डिटेल्स। अभी मैन पावर में क्या क्या रहता है, ये मैन पावर में टाइप ऑफ प्रीमिसेस, कहाँ पे सप्लाई करना चाहते हो, सर्विस रिक्वायर्ड क्या है, हाउस कीपिंग करवाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, इसके ये सभी स्पेसिफिकेशंस हैं। सर्विस कंपोनेंट क्या है, टाइप ऑफ मैन पावर, ऑफिस क्लीनर भेजना आपको, आपके आप देना चाहते हो, ऑफिस अटेंडेंट नजर, रिसेप्शनिस्ट देना चाहते हो, यहाँ पे आपको सब चीज नजर आता है। तो ये आपको यहाँ पे सब चीज पता चलता है। ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेस है। तो आपको कभी भी जेम पे काम करना है, यदि प्रोडक्ट के बारे में काम करना है, जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, जो आपका प्रोडक्ट किस कंपनी का है, कितने जीबी का है, ये उसका स्पेसिफिकेशंस वगैरह सब होना चाहिए, अल्ट्रा है क्या है, उसमें 5 इयर्स वारंटी आएगा क्या आएगा, जो भी स्पेसिफिकेशन लगता है उसको, उस वो स्पेसिफिकेशन आपको पता होना चाहिए आपका, या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तब भी उसका पूरा डिटेल्स नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सर्विसेस में भी सेम, आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हो अपने रेट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे तीन टाइप के अलग अलग परचेज होते हैं, अभी और एक आ गया चार टाइप के, कैसा परचेज, अभी परचेज समझते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट परचेज, जैसे कि मुझे पेन ड्राइव यदि परचेज करना है, बायर को परचेज करना है, आप नहीं, आप एज ए सेलर बेचेंगे, परचेज होता कैसा है ये आपको समझना है, तो आपको उसको इजीली समझ पाएंगे। जैसे मुझे यहाँ पे देखो कैटेगरी आ गया, तो मेरा कैटेगरी पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव, तो ये सबसे पहला कोई भी प्रोडक्ट यदि बायर को पसंद आता है वो खरीदता है, तो ये तीन तरीके से परचेज कर सकता है। एक है डायरेक्ट परचेज, जिसकी लिमिट है 25,000, वो पसंद का प्रोडक्ट ले सकता है, ये प्रोडक्ट उसको 400 439 में मिल रहा है और यही प्रोडक्ट उसको 1200 में मिल रहा है सेम, तो भी वो इसको ऑर्डर दे सकता है, पर कितने अमाउंट तक, 25,000 तक। इसकी अमाउंट की लिमिट कितनी है, 25,000, 25,000 से ऊपर नहीं दे सकता, 25,000 तक वो किसी को भी रेट में दे सकता है, पर कंडीशन एक है, आपका प्रोडक्ट का रेट सबसे कम होना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ रेट 12,229 है और ये प्रोडक्ट कोई, हम इसको चाहेंगे जो 1500 वाले को दे दे, ऐसा नहीं दे सकते, या 2000 वाले को दे दे, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर भी लोकेशन वाइज डिफर करता है, जो हम लोग आगे समझेंगे, पर यहाँ पे जो सबसे कम रेट में देगा, हम उसको अपना प्रोडक्ट का ऑर्डर दे सकता है बायर, किसी को भी 25,000 तक, जिसकी लिमिट है 25,000, मतलब ये प्रोडक्ट है 1230 रुपए का, तो हम इसके अप्रोक्सीमेटली शायद 20 क्वांटिटी का ऑर्डर दे सकते हैं, जिसके लिए कोई कुछ नहीं लगेगा, डायरेक्ट आपको ऑर्डर मिल जाएगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑर्डर। जैसे कि अमेजन पे आप कोई भी चीज खरीदते हो तो डायरेक्ट ऑर्डर करते हो, इसको हम लोग इसको ही डायरेक्ट ऑर्डर बोलते हैं, जिसकी लिमिट है 25,000। और एक लिमिट है 25,000 से ज्यादा और 5 लाख से कम,
जिसको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन, कंपेयर करो, पहले कंपेयर करो और फिर परचेज करो। अभी यहाँ पे क्या होगा, कंपेयर करना पड़ेगा आपको आपके प्रोडक्ट के, तीन प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, अलग अलग ब्रांड और अलग अलग सेलर के साथ। जैसे ये सोनी कंपनी का है तो मैं सोनी कंपनी के तीनों ब्रांड के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, मुझे अलग ब्रांड के साथ सोनी कंपनी को कंपेयर करना पड़ेगा। उस कंपैरिजन में जो सबसे कम रेट देगा उसको ही हमको ऑर्डर देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं L1 परचेज। ये भी डायरेक्ट परचेज का ही एक पार्ट है, पर इसकी लिमिट 25,000 से ज्यादा और 5,00,000 से कम, 25,000 से ज्यादा 5,00,000 से कम। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको ऑर्डर नहीं दे सकते, मुझे कंपेयर करना पड़ेगा अपने से ज्यादा रेट वाले को और फिर कंपेयर करके हम ऑर्डर दे सकते। यहाँ पर भी आप अपना सेटिंग, यदि आपकी सेटिंग से बैठ के साथ, तो यहाँ पर भी अपना सेटिंग आप यूज कर सकते हो, इजिली आपको ऑर्डर मिल सकता है, वो हम लोग आगे पढ़ाते वक्त आपको डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका हो गया दूसरा तरीके का परचेज। तीसरा परचेज बीड, तीसरा है बीड मतलब टेंडर, टेंडर के थ्रू से आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे टेंडर, यदि हम टेंडर के बारे में पार्ट करेंगे तो टेंडर अलग अलग टेंडर्स, अब बीड्स में जाते हैं, ऑनगोइंग बीड्स, टेंडर। अभी टेंडर देखो इतने टाइप के टेंडर्स है, सबसे पहला बीड और आर ए, हम लोग आर ए के बारे में बाद में बात करेंगे, रिवर्स ऑप्शन बोलते हैं, आर ए मतलब रिवर्स ऑप्शन, बीड मतलब टेंडर, बोली, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बीड बोलेंगे तो बोली लगाना, तो ये टेंडर्स है। अभी कोई भी प्रोडक्ट का टेंडर है, यहाँ पे आपको सिंगल प्रोडक्ट का टेंडर मिलेगा, कोई भी सिंगल प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे कोई भी साइड टेबल, साइड टेबल एक सिंगल प्रोडक्ट है और उसका प्रोडक्ट का टेंडर मिलेगा, 20 क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, इसकी कोई लिमिट नहीं, टेंडर की कोई लिमिट नहीं है। आप 10 रुपया का भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो, बीड बना सकते हो, और आप 100 करोड़ का भी प्रोडक्ट का बीड बना सकते हो, इसकी कोई लिमिट डिसाइड नहीं। पर यहाँ पे होगा सिंगल प्रोडक्ट का टेंडर, टेंडर निकलेगा, यहाँ पे आपको टेंडर को भरना है एक डेट रहते हुए। इसमें भी अलग अलग कंडीशंस है, जैसे मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप है, उसके बाद आपका एमएसएमई है, तो ये कुछ कंडीशंस है जो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। टेंडर्स जब हम टेंडर्स में पढ़ेंगे तो हम लोग उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा वगैरह वगैरह बहुत सारे इसमें फिर आएंगे। तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ पे सर्विसेस, सिंगल सर्विसेस के टेंडर्स, जो भी सिंगल सर्विसेस, देखो सिंगल मंथली कैब चाहिए इनको, मैन पावर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह चाहिए, है ना, तो यहाँ पे ये सब है। उसके बाद आते हैं बंच बिल्ड, जहाँ पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट, पेन और पेंसिल चाहिए, तो पेन भी चाहिए और पेंसिल भी चाहिए, तो ये हो गया बंच बिल्ड, तो इसको बोलेंगे बंच बिल्ड। अभी यहाँ पे देखो प्लाईवुड चाहिए, पर प्लाईवुड ही चाहिए अलग अलग, अभी सभी प्लाईवुड का कॉन्फ़िगरेशन अलग होंगे, यदि ये टेंडर देखोगे तो इसमें सब में प्लाईवुड ही चाहिए, तो आप बोलेंगे सर ये सिंगल टेंडर का होना चाहिए, नहीं। अभी प्लाईवुड हो सकता है कि 10 mm का चाहिए, फिर प्लाईवुड 8 mm का चाहिए, तो अलग अलग स्पेसिफिकेशन हो गया, प्लाईवुड ही चाहिए पर अलग अलग, पेन ड्राइव चाहिए, एक 16 GB का चाहिए 10 और 32 GB का चाहिए 5, तो अलग अलग स्पेसिफिकेशन हो गया, उनको रेड कलर में चाहिए और क्या व्हाइट कलर में भी चाहिए, तो अलग हो गया। तो ऐसे कंडीशन में ये बंच बिल्ड बोलते हैं, सेम सर्विस का बंच बिल्ड। उसके बाद आता है बीड टू आर ए, कोई टेंडर ऑक्शन में कन्वर्ट हो गया बीड से तो बीड टू आर ए आता है, थोड़ा हम लोग रिवर्स ऑक्शन के बाद इसको समझेंगे। और इसके बाद आता है कस्टम बीड, अभी देखो कस्टम बीड के क्या जरूरत, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है जो सर्च करने से नहीं मिलेगा, यहाँ पे बहुत प्रोडक्ट ऐसे होंगे, आप लोगों के भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो यहाँ पे सर्च किया तो मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है, उसके कैटेगरीज नहीं बने हैं, कोई भी नहीं है। अमेजन पे मुझे क्या सब चीज मिलता है, नहीं मिलेगा, मुझे अमेजन से कार परचेज करना है, मुझे कार चाहिए, मारुति का कार चाहिए, क्या कार है यहाँ पे, नहीं है, क्योंकि अमेजन कार बेचता ही नहीं है। सेम जेम हर चीज नहीं बेचता, जेम पे भी सेम है, कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा कोई बना नहीं सकता कि वहां पे सब चीज आ जाए, जो है मार्केट में आपको, अमेजन क्या बोलता है, हम जो बेचते हैं या हमारे पास जो कैटेगरी है उसमें ही आपको लेना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पर भी आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है वही आपको लेना है, दूसरा आप नहीं ले सकते। तो ऐसे जो कैटेगरी नहीं है, कोई प्रोडक्ट का कैटेगरी नहीं है, जैसे कि लैबोरेटरी इक्विपमेंट है, इसके टेस्टिंग का PT-PCR टेस्टिंग के लिए ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, तो
क्या कर सकता है, पर जेब में कैसा है बायर को, गवर्नमेंट को बोला गया है कि आपको कोई भी चीज यदि प्रोडक्ट परचेज करना है या सर्विसेज लेना है तो जेब से ही लेना पड़ेगा, और यदि उसका कैटेगरी नहीं बना होगा तो कैसे परचेज करेगा। तो बायर के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि उसको कस्टम बिड बना सकता है, उसको बोलेंगे कस्टम बिड, जो मार्केट में प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं है वो यहाँ पे उसका वो कस्टम बिड बना सकता है और कस्टम बिड बना के वो परचेज कर सकता है, इसलिए वो कस्टम बिड हो। और आते हैं हम लोग और एक बीओक्यू बिड, बीओक्यू बिड भी एक कस्टम बिड का ही पार्ट है, यदि मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं है तो ये बीओक्यू बिड होता है, ये एक्सेल का एक फाइल होता है और आपको एक्सेल के फाइल में भर के देना होता है, जैसे कि ये बीओक्यू बिड है ना, इसको डाउनलोड करेंगे, अभी तक अपने को ये नहीं पता चलता इसमें जिसमें प्रोडक्ट क्या है, तो ये बीओक्यू डॉक्यूमेंट से यहां से अपने को पता चलता है। अभी यहां पे पता चलेगा बायर को चाहिए क्या, तो क्या चाहिए बायर को, देखो एडोब फोटोशॉप चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए एडोब फोटोशॉप का, ठीक है, एक क्वांटिटी चाहिए, अभी ये मार्केट में नहीं है और उसको एक क्वांटिटी चाहिए, तो ऐसा वो या तो कस्टम बिड बना सकता है या तो इसका बीओक्यू बिड भी बना सकता है, ये बायर जो गवर्नमेंट है डिपार्टमेंट है वो डिसाइड कर सकता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ रेट डालना है, जीएसटी डालना है, बस हो गया, और इसको रेट को अपलोड करना है, ये आपका काम हो जाएगा, इसको बीओक्यू बिड बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग, अभी जैसे डोर लॉकिंग ओपन सिस्टम था, ये देखो ऐसा है, तो ऐसे अलग अलग चीजें, तो ऐसे बीड के अलग अलग टाइप्स है जो हम लोग आगे डिटेल्स में समझेंगे, कैसे भरना है, पढ़ना कैसे है, निकालना कैसे, सभी चीजें हम लोग, तो इतने टाइप के यहाँ पे बीड्स रहते हैं। हाँ अलविन सर बोलिए, अलविन सर आपने हैंड रेज किया था, प्लीज आप कुछ क्वेरी पूछना चाहते हैं तो पूछ। शुक्ला सर, सर डेस्कटॉप बंच बिट्स में आता है क्या? नहीं देखो सर, बंच बिट मतलब समझो, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है, बंच बिट में आता क्या है ये, अभी डेस्कटॉप बंच बिट में भी आ सकता है, नॉर्मल बिट में भी आ सकता है, या कस्टम बिट में भी निकाल सकता है, ये बायर के ऊपर डिपेंड करता है, बायर कैसा निकालना चाहता है। यदि उसको सिंगल कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट चाहिए तो क्या करेगा, वो नॉर्मल प्रोडक्ट निकालेगा। यदि वही डेस्कटॉप कंप्यूटर उसको अलग अलग चाहिए, एक 4GB रैम का चाहिए, एक 6GB रैम का चाहिए, तो ये बंच बिट बनेगा, या तो वो अलग अलग भी बिट बना सकता है, सिंगल प्रोडक्ट में एक 4GB रैम का अलग बिट बनाएगा, 6GB रैम का अलग बनाएगा, तो ये डिपेंड करता है। बंच बिट में मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट का बिट, तो इसको बोलेंगे बंच बिट। अश्विनी मैडम, अश्विनी मैडम प्लीज, सर मैडम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा लाउडर बोलिए। नहीं आप मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आप बहुत दूर से बोल रहे हैं या हेडफोन यूज कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है क्योंकि आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, नहीं ठीक है, हाँ अलविन सर बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टम बिड एंड बीओक्यू बिड? सर देखिए, कस्टम बिड क्या होता है, कभी भी कस्टम बिड में बायर को क्या होता है, दोनों देखो ऐसा प्रोडक्ट है कि दोनों, यदि मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं है तो उसका कस्टम बिड बना सकता है या बीओक्यू बिड बना सकता है। कस्टम बिड में प्रॉब्लम क्या होता है, बायर को कैटलॉग बनाना पड़ता है, जैसे आप यहाँ पे कैटलॉग बनाते हैं प्रोडक्ट का, दिखे ना उसमें स्पेसिफिकेशन वगैरह दिखता है, जैसे कस्टम बिड में दिखाता हूँ मैं। कस्टम बिड में क्या होता है, बायर को, अभी यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर का ही डाल दिया है कस्टम बिड, एक्चुअली ये मार्केट में प्रोडक्ट है फिर भी ध्यान डाल दिया है, तो बायर के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसमें कि स्पेसिफिकेशन उसको ये कैटलॉग बनाना पड़ता है जिसमें वो स्पेसिफिकेशन वगैरह देते हैं जो उसको क्या चाहिए, अब इसने ब्लैंक डाल दिया है वो अलग बात है, पर इसमें स्पेसिफिकेशन उनको देना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कस्टम बिड जहाँ पे मतलब बायर को इसका कैटलॉग बनाना पड़ता है, पर बीओक्यू बिड में बायर को कैटलॉग बनाना नहीं पड़ता, विदाउट कैटलॉग खाली एक्सेल के फाइल के थ्रू से डायरेक्टली वो टेंडर निकाल सकता है। तो जब मल्टीपल प्रोडक्ट होगा, मान लीजिए एक साथ है, विदाउट नहीं, स्पेसिफिकेशन तो इसमें भी रहेगा, इसमें भी स्पेसिफिकेशन देना पड़ता है, दिखाता हूं
पर इसमें कैटलॉग नहीं बनाना पड़ता जैसे बीओक्यू पेंटिंग का है। ये एक टेंडर है, हम लोग टेंडर निकालते हैं, यहाँ पर भी स्पेसिफिकेशन, ये देखो स्पेसिफिकेशन, व्यू फाइल करेंगे तो यहाँ देखो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। अब इसमें प्रॉपर स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, ऐसा नहीं चलता, देना चाहिए प्रॉपर स्पेसिफिकेशन, क्या चाहिए कैसा नहीं, एज पर बायर रिक्वायरमेंट बोल दिया खाली 4 नंबर और 23 नंबर। बाकी हम लोग टेंडर भरेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कंपेयर बायर के साइड से होगा ना? यस मैडम, कंपेयर जो भी है बायर के साइड से, क्योंकि परचेज बायर को करना है तो बायर के साइड से ही होगा कंपेरिजन वगैरह। रोहित सर प्लीज। हेलो, हाँ बोलिए सर। सर ये डायरेक्ट परचेस में मेरे को एक डाउट है कि एक बायर सिंगल प्रोडक्ट कितनी बार परचेस कर सकता है? सर देखो, मैं आपको यहाँ पे ऐसा कोई लिमिट नहीं है, पर मैं आपको इंटरनल कुछ चीजें बताता हूँ। बायर जो है वो डायरेक्ट परचेस जो 25,000 के अंदर है, वो महीने में 3 से ज्यादा ऑर्डर नहीं निकालना चाहिए। 1 महीने में 3 से ज्यादा ऑर्डर नहीं निकालना चाहिए। यदि उससे ज्यादा ऑर्डर निकालता है तो उसके ऊपर जेम की नजर है, जेम उसको मेल वगैरह डाल सकता है जो आप इतने ज्यादा क्यों ऑर्डर निकाल रहे हो। और L1 परचेज जो 5,25,000 से ज्यादा और 5 लाख का है, वो 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हर मंथ में 5 से ज्यादा नहीं। यदि आप इसके अंडर काम करेगा बायर, तो बायर को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उससे ज्यादा ऐसा कोई लिमिट नहीं है, वो 50 भी निकाल सकता है। पर जेम को उसका, यदि जेम को उसका मेल आया या ऑडिट आया, तो उसको उसको जवाब देना पड़ेगा प्रॉपर क्यों चाहिए था। कभी एक आधा महीना में हो गया तो अलग बात है, पर हमेशा नहीं चलेगा। बीड का ऐसा कोई, हाँ बोलिए। सेलर के ऊपर भी इंक्वायरी हो सकता है क्या फिर? नहीं नहीं, सेलर के ऊपर नहीं होगा, बायर के ऊपर, क्योंकि ऑर्डर देना बायर का काम है। तो मेरे को इंक्वायरी नहीं बैठेगा? नहीं, आपको नहीं बैठेगा, बायर को बैठेगा। ओके, बायर यदि उसको लगा जो प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहा है, और कोई बायर को, कोई सेलर को, कोई बायर बार बार ऑर्डर दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, उस बायर को और उस सेलर को दोनों को देना, ऑर्डर देना बैंड कर देगा। ओके, मतलब उस आगे इन फ्यूचर वो बायर वो सेलर को ऑर्डर और कभी नहीं दे पाएगा। ओके ओके, ऐसा हो जाएगा। सौरभ सर बोलिए। सौरभ सर, हाँ बोलिए। सर्विस बीड्स और ये बीड्स, सर्विस बीड और सर्विस बीड्स सर, उसका थोड़ा कंफ्यूजन है। बोलिए ना सर, सर्विस बीड में। हाँ सर, थोड़ा समझा के दीजिए। सर्विस बीड देखो, जैसे बीड होता है वैसे ही सर्विस बीड होगा। अभी जैसे मंथली कैब हायरिंग टैक्सी सर्विसिंग है ना, तो इसको कैसा टैक्सी वगैरह चाहिए वो आपको बता देगा यार। ये टेंडर है, यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो अपने को यहाँ पे पता चल जाएगा। अब ये टेंडर का लास्ट डेट है, और ये जो है आपको यहाँ पे इसके डिटेल्स बता दिया जाता है, उसको क्या चाहिए, उसकी लिमिट क्या है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन है। अब ये व्हीकल कौन सा चाहिए, एसयूवी चाहिए, कौन कौन सा, इसमें से कोई भी गाड़ी देना पड़ेगा, उसके पूरा इन्फॉर्मेशन देने, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कुछ मांगा जाएगा। वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा तो इसमें आप एलिजिबल होंगे, और फिर आप ये टेंडर भर पाएंगे। और उसमें सबसे ज्यादा जो सबसे कम रेट कोट करेगा, जब टेंडर खुलेगा तो जो सबसे कम रेट कोट करेगा उसको टेंडर मिल जाएगा। ओके ओके, ऐसा। बाकी हम लोग भरने का, डॉक्यूमेंट्स स्टडी करने का, वो आगे देखेंगे, है ना? ठीक है सर। सुनील सर, सुनील सर, सर जो बीओक्यू आपने बोला, बीओक्यू में भी हमारे प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन दिया जाता है या दूसरा कुछ होता है? सर स्पेसिफिकेशन दिया जाता है, पर उसमें कैटलॉग नहीं बनाना पड़ता, उसमें आपको डायरेक्ट पीडीएफ फाइल लगता है खाली, जो आपके आपके प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन क्या है, कौन सा ब्रांड है, क्या प्रोवाइड कर रहे हो, उसका पूरा डिटेल्स आपको देना पड़ता है। ओके ठीक है। शुभम सर, शुभम हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं दो क्वेरी करने वाला हूँ। एक क्वेरी थी ये 25,000 और ये 5 लाख वाला जो चीज आपने बताई ना, तो हाँ, वो क्या है वो कुछ मुझे थोड़ा क्लियर करेंगे। मान लीजिए सर, हाँ हम लोग समझते हैं सर। आपने अमेजन से कोई चीज परचेज किया है कभी? हाँ बिल्कुल, फ्लिपकार्ट वगैरह से किया है ना कोई भी चीज? बिल्कुल, बिल्कुल। तो सोचो कि आप वहाँ पे परचेज कर रहे हो जेम से भी, तो जैसे ही अमेजन में परचेज होता है, आपको कोई चीज पसंद आया, आप डायरेक्ट ऑर्डर दे देते हो किसी को भी, है ना? वो 25,000 का हो गया काम। ठीक है, समझ में आया 25,000 का फंडा? बिल्कुल, बिल्कुल हो गया। सेकंड आते हैं हम लोग कंपेयर वाला,
25,000 का मतलब जैसे अपन ने कोई चीज पसंद आई और मतलब सिंगल पीस का 25,000 का या 10 पीस का 25,000 का चलेगा ना, अमाउंट 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा अभी मुझे पेन चाहिए, पेन है 10 रुपए का एक, तो हम पेन 25,000 पेन परचेज कर सकते हैं, 25,000 अमाउंट तक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, पर वही 25,000 का सिंगल आइटम, एक लैपटॉप है 24,800 रुपए का, तो वो भी परचेज कर सकते हैं। तो एक पर यही पेन या लैपटॉप हम दो नहीं परचेज कर सकते, क्योंकि यदि दो एक साथ परचेज करेंगे तो रेट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो एक जो लिमिट होती है 25,000 क्लियर हो गया। बिल्कुल, अभी आते हैं L1 पे। L1 मतलब अभी आपका कैसा है? हेलो, अभी आपका सर कैसा है? सर ऑलविन सर प्लीज म्यूट कीजिए, प्लीज सर एक रिक्वेस्ट आप लोगों, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है ऑलविन सर, प्लीज सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपके क्वेरी होने के बाद प्लीज म्यूट कीजिए, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है। हाँ सेकेंड आते हैं हम लोग सर L1 सर, आपकी कम ऑलविन सर प्लीज, जब हम बीच में बोल रहे हैं तो आपको नहीं बोलना है, मैंने आप लोगों को बताया था। ये आर्यन सर IN M11 आपका भी अनम्यूट नहीं है, प्लीज मुझे बार बार म्यूट मत करने लगाओ, सिर्फ इतना ही एक ही रिक्वेस्ट है शुभम सर से, जिसके साथ जो क्वेरी रहेगा वही अनम्यूट रहेंगे, बाकी सब म्यूट रहेंगे। सर हम लोग आते हैं L1 परचेस। देखो L1 परचेस क्या रहता है, आपने आप ही अभी आपका कैसा है, कंपनी चलाते हैं या क्या करते हैं आप, आपका कोई कंपनी है? सर बिल्कुल कंपनी है मेरी, जयपुर में मेगा कंपनी वर्ल्ड के नाम से। सर आप क्या प्रोडक्ट बेचते हो या सर्विस प्रोवाइड करते हो? सर कंप्यूटर एक्सेसरीज, कंप्यूटर एक्सेसरीज, कंप्यूटर सर्विस। इससे अभी रिसेंटली कोई भी चीज अपने प्रोडक्ट परचेज किया था अपने कंपनी के? सर रोज ही हमारे तो परचेसिंग डेली होती है। तो अभी रिसेंटली आप कोई भी चीज बताओ, आज क्या परचेज किया आपने? माउस परचेज किया था है ना, अभी माउस या लैपटॉप आपने जो भी कुछ परचेज किया रिसेंट में, तो आपने क्या वो डायरेक्ट परचेज कर लिया? हमने आपको कोटेशन दिया, आपने बोला मैंने, आपने बोला परचेज करना है, तो डायरेक्ट गया दुकान में या मैंने कोटेशन भेजा और डायरेक्ट आपने मुझे ऑर्डर दे दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, पहले आगे से कोटेशन आया कि ये कोटेशन आता है, उसके बाद आप क्या करते हो? एक कंपेयर करते हैं कि कंपेयर करते हो है ना, तो जो भी कोटेशन आया मिनिमम आपकी भी रिक्वायरमेंट होती है, जो मिनिमम 3 चाहिए 4 चाहिए 5 चाहिए, इसका एक कोटेशन आता है और आप सबके साथ कंपेयर करते हो, उसमें से जो सबसे कम रेट में आपका जो रिक्वायरमेंट है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो सबसे आपको कम रेट में ऑर्डर देता है आप उसको ऑर्डर देते हो। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर, बराबर है ना, ऐसा ही होता है ना सर आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल सर, सर जेम में भी ऐसा ही होता है। आप यहाँ मार्केट में, एक मिनट सर मैं पहले बता लूं फिर आप बताइए, जेम में भी ऐसा होता है, आप मार्केट में उसको कंपेयर करना पड़ता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ बायर, उसको अपने ऑर्डर के साथ तीन अलग अलग और तीन ऑर्डर, जेम में रूल है तीन, तीन के साथ उसको कंपेयर करना पड़ता है, अलग अलग ब्रांड, उसमें एक कंडीशन है एक ही ब्रांड का नहीं चलेगा, अलग ब्रांड और एक ही सेलर नहीं चलेगा, अलग अलग ब्रांड और अलग अलग पार्टी के साथ उनको कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर करने के बाद जो सबसे कम रेट होगा उसको ऑर्डर दे दिया जाए, इसको बोलते हैं L1। एज ए बायर बता रहे हैं आप? हाँ ये बायर का ही काम होगा ना ऑर्डर देना। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो 5 लाख तक का जो L1 के अंदर वो दे सकता है जैसे। हाँ। मतलब आपने कहने का मतलब एक सिंगल परचेज करनी है डायरेक्ट तो 25,000 तक रहती है, और L1 से कंपेयर करके उसको लेना है तो 5 लाख तक कंपेयर करके ले सकता है, कर दे बराबर। अब जैसे एक लैपटॉप है 24,000 का है, तो उसको यदि एक लैपटॉप देना है तो डायरेक्ट परचेस हो जाएगा, पर उसको 10 लैपटॉप देना है या 20 देना है तो फिर L1 करके देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, अगर कोई सिंगल परचेस है वो डायरेक्ट के कैटेगरी नहीं, ये अमाउंट पे डिपेंड करता है सर। अच्छा, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ अमाउंट पे, 25,000 तक डायरेक्ट परचेस, 25,000 से ऊपर का अमाउंट हो गया और 5 लाख से नीचे हो गया तो वो डायरेक्ट परचेस L1 परचेस। L1, अच्छा आपके कहने का मतलब कि अगर 25,000 के अमाउंट के अंडर में अगर बिलिंग हो रही है तो डायरेक्ट परचेज कैटेगरी में वो लोग लेते हैं, और उसके ऊपर जाते ये लोग मतलब L1 कैटेगरी में बोलते हैं। तो L1 अभी जैसे आपको कंप्यूटर के लिए माउस चाहिए, आपको सिंगल माउस चाहिए मान लीजिए, तो आप इसके लिए कोटेशन नहीं मंगाओगे जनरली 150 रुपया या 200 रुपया के लिए, आप डायरेक्ट दुकान में जाओगे परचेज कर लोगे। बिल्कुल, तो आपकी भी कंपनी की कुछ कंडीशन है जो मैं 200, 500 रुपया या 1,000 रुपया या 5,000 रुपया जैसी कंपनी हो उसके हिसाब से
जो हम उसके लिए कोई कोटेशन नहीं मंगाते, तो ऐसा ही जीएम का कंडीशन है, जो 25,000 के अमाउंट तक कोई कोटेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऑर्डर दे सकते हो, और यदि 25,000 से ज्यादा और 5,00,000 के ऊपर हुआ तो फिर आपको कंपेयर करके परचेज करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर बिल्कुल सर। दूसरा मैं छोटे से पूछा था, ये हाँ। जो बीओ क्यू है अपना और एक कस्टम जो बिड है वो कस्टम बिड और बीओ क्यू, आपने भी बताया कि दोनों एक सेम कैटेगरी बोली जाती है, बट ये बिड्स और बिड्स के अंदर आती है, बीओ क्यू और कस्टम दोनों एक जैसी है दोनों? ठीक है, ओके ओके सर। वो थोड़ा सा आपको सर ये जब हम लोग टेंडर का क्लास सीखेंगे ना तो इसका और डिटेल्स में समझ में आएगा, अभी सिर्फ हम लोग समरी देख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में पूछा है। ओके सर, सर पहले ओप्पो A5 सर आपका प्लीज पहले नाम बता दीजिए मुझे। ओप्पो A5 हेलो सर, प्लीज आप नाम बताएंगे? जावेद सर। ओके सर, प्लीज कल से जब आप कनेक्ट होंगे ना सर जावेद सर, आप अपना नाम से कनेक्ट होंगे, है ना सर? ओके यस सर, जावेद सर, गुड इवनिंग, बोलिए सर। मेरा एक सवाल था डायरेक्ट ऑर्डर के रिलेटेड। बोलिए ना सर। ये मुझे क्लियर हो गया, ये 25,000 से अंडर होना चाहिए। हाँ सर, आप शायद आई थिंक थोड़ा सा सर बीच में आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, शायद आप जम्मू से बोल रहे हैं? नहीं मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। श्रीनगर, हाँ मतलब हम लोग जम्मू कश्मीर बोल के ही जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यस, हाँ बोलिए सर। इसका भी यही रीजन है कि मतलब डायरेक्ट ऑर्डर इसी बेस पे लेते हैं परचेजर के, जिसका लोएस्ट मतलब अमाउंट होगा। नहीं नहीं नहीं, वो किसी को भी ऑर्डर बायर डिसाइड कर सकता है। यदि आपका एक आइटम पेन ड्राइव 300 रुपए मिल रहा है और आप 1200 में दे रहे हो तो 1200 को भी ऑर्डर दे सकता है वो। सर ये डिपेंड खाली बायर पे है सर। बायर पे, यस ओके, इट्स क्लियर सर। यस जावेद सर, आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, कल हमारा 11 बजे से एक बायर का ट्रेनिंग है आपके ही जम्मू से ही है, दो पार्टी है, एक BSF है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और एक डिपार्टमेंट है, चाहो तो आप हमें कल कनेक्ट कर सकते हो थोड़े बायर की तरफ से, आपका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, आपकी पहचान भी करा देता हूँ, और बाद में आपको यदि ऑर्डर मिलना है आप उनसे थोड़ा सा तो आप कर सकते हो, तो मैं चाहे तो दत्ता सर से आप लिंक मंगा लो, आप डायरेक्ट बायर के क्लास में, कल बायर का क्लास है, आप चाहो तो कल ज्वाइन कर सकते हो, आप जम्मू से हो, जम्मू का ही बायर है। जी, दो डिपार्टमेंट है, हाँ श्रीनगर मतलब जम्मू कश्मीर का है, श्रीनगर से कहाँ से वो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। हाँ कौन सा डिपार्टमेंट है सर? एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और एक कौन सा डिपार्टमेंट है मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है सर, तो कल आप कनेक्ट कर लेंगे, BSF है ना? और टाइमिंग क्या है सर? कल 11 मॉर्निंग। हाँ तो आप चाहो तो कनेक्ट हो सकते हो, आपके लिए शायद इम्पोर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए वो फायदा रहेगा क्योंकि आपको बाहर से एक पहचान हो जाएगी। सर मैं ये कह रहा था जैसे मेरी ट्रॉली है, कूलर ट्रॉली मेरी जैसे 8,000 की है, अगर किसी और की 5,000 की है तो शुक्ला सर सिर्फ एक मिनट प्लीज, आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को म्यूट रखेंगे, आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज हैंड रेज करके छोड़ दीजिए, एक सबसे रिक्वेस्ट है, बीच में जब हमारा डिस्कस चल रहा है तो प्लीज आप बीच में इंटरफेयर मत करो क्योंकि इससे अपना ही टाइम जाएगा, तो एक बहुत रिक्वेस्ट है प्लीज। शुक्ला सर प्लीज कंटिन्यू। सर जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट है वो 8,000 का है और बाकी कंपेयर किया जाए तो बाकी लोग प्रोडक्ट मान लीजिए 5,000 का है, तो इससे मेरा प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगा फिर? समझा नहीं, बार फिर से बोलेंगे, आपका प्रोडक्ट 8,000 का है और बाकी लोगों का प्रोडक्ट 5,000 का है? 5,000 का। हाँ बायर चाहे तो आपको सिंगल ऑर्डर 25,000 से नीचे है ना तो आपको चाहे तो वो बायर यदि आपको ऑर्डर दे सकता है, पर सुनो इसमें एक कंडीशन है, जैसे कि हम लोगों ने डाला कोई भी प्रोडक्ट, पेन ड्राइव ही डाला है ना, पेन ड्राइव जब डाला हम लोगों ने प्रोडक्ट, पेन ड्राइव यहाँ पे आपका सबसे कम रेट आपका होना चाहिए, यहाँ पे आपका रेट सबसे कम रेट आपका होना चाहिए, यही प्रोडक्ट में अलग प्रोडक्ट का रेट सर चलेगा ज्यादा रेट, पर ये 439 का है, यहाँ पे सबसे कम रेट आपका होना चाहिए बायर के लोकेशन पे। अभी इससे ज्यादा रेट में यदि कोई बेच रहा है, जैसे ये 900 वाला बेच रहा है और कर्नाटका में ही कोई 900 में बेच रहा है, तो कभी भी उसको ऑर्डर नहीं मिलेगा, याद रखो ये ध्यान रखो। हाँ अभी आपका कोई दूसरा प्रोडक्ट है, अभी ये वाला AC में ये सेम पेन ड्राइव 439 में, और पेन ड्राइव और भी दूसरा है, अभी ये वाला पेन ड्राइव है 200 का
और मेरे पास कोई पेन ड्राइव है, यहाँ पे हाई टू लो, और यही पेन ड्राइव मुझे कोई 5000 में दे रहा है, तो हम इसको भी ऑर्डर दे सकते बायर के ऊपर है। हाँ, बायर के ऊपर है, बट कैसा है यहाँ पे जो सबसे कम रेट है वो इसी को ऑर्डर मिलेगा। L1 में जैसे 5 लाख तक का ऑर्डर यही प्रोसेस चलता होगा। सेम प्रोसेस है, पर कंपेयर करके देना पड़ता है। कंपेयर करने का प्रोसेस थोड़ा सा टफ है, ऐसा नहीं इतना इजी नहीं है। हम लोग जब बायर का क्लास करेंगे ना तो मैं आपको वो सब समझाऊंगा, है ना सर? ठीक है, थैंक यू। सुनील सर बोलिए। सुनील सर, सिलेबस का सर, ये सर्विस के लिए, जैसे सर्विस और एएमसी के लिए बायर को कुछ अमाउंट का लिमिट है, कुछ ऐसा है लिमिट? नहीं नहीं नहीं, सेम के लिए कर सकते हैं। नहीं नहीं, जो लिमिट मैं बता रहा हूँ ये प्रोडक्ट के लिए भी है और सर्विसेज के लिए भी सेम लिमिट है, अलग से कोई लिमिट नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एमसी है या सर्विस है 3 इयर्स के लिए, तो उसका अमाउंट अगर करोड़ों में जा रहा है, जावेद सर बोलिए। सर प्लीज एक रिक्वेस्ट है सर, बोलिए। कोई भी सर जो इस वक्त जुड़ा हुआ है प्लीज, इस वक्त आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सर, दे रहे कि नहीं? यस सर। हाँ बोलिए ना सर। यस, आप इस वक्त टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे, जब आप पर्टिकुलर मतलब आइटम पे चलोगे सर, अगर उस टाइम कोई भी क्वेश्चन पूछेगा दैट इज बेटर, इस वक्त ज्यादा सवाल करना बेटर नहीं है। बराबर है सर, ये हमारा टाइम पूरा जाएगा। हाँ, बाकी लोग बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर 7:29 हो गए, 7:30 हो गए सर, 9 बजे तक क्लास है, फिर 10 दिन भी कवर नहीं करेंगे आप? नहीं, कोशिश करते हैं सर, हम लोग थोड़ा घिसते हैं थोड़ा। कैसा होता है सर, और जावेद सर आपकी बात सही है, कैसा होता है ना, अभी यदि हमने इनका सवाल, जो बाकी जो लोग हैं जिनको थोड़ा पता है जिम के बारे में, उनका सवाल का जवाब अभी नहीं दिया ना, तो अपने को क्लास में डिस्टर्ब होगा। आगे चलते हैं, जिस वक्त जो टॉपिक सर होगा उस टाइम अगर हम सवाल करेंगे। आप समझेंगे नहीं सर, कैसा होता है ना जेम पे एक के साथ दूसरा टॉपिक जुड़ा रहता है, जेम पे हर एक के साथ दूसरा, तो हम यदि बीड पढ़ा रहे हैं ना तो लोग दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे जो उससे रिलेवेंट है, और हमने वो उस टाइम पे समझाना चालू कर दिया तो फिर बाकी सबको फिर समझेगा ना, इसीलिए बेसिक जो क्वेरी का आंसर है वो अभी देना थोड़ा जरूरी है, तो ये लोग क्या होंगे उस टाइम पे और आगे कुछ नहीं बोलेंगे। ओके सर, इसलिए थोड़ा सा खाली थोड़ा कॉर्पोरेट कीजिए, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। हाँ बोल सर बोलिए। सर एक क्वेश्चन था, डायरेक्ट परचेस में जैसे मान लीजिए जो सर्विसेज का ये होता है, एक सर्विस प्रोवाइडर का रेट थोड़ा ज्यादा है और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर का रेट थोड़ा कम है। मैंने आपको एक ही चीज बताया, यहाँ पे कोई भी होने दो, प्रोडक्ट होने दो या सर्विसेज होने दो, जो सबसे कम रेट में देगा उसको ही ऑर्डर देना है। 25,000 में एक लिमिट है, 25,000 के लिए क्या होगा डायरेक्ट ऑर्डर दे सकता है, पर रेट सबसे कम होना चाहिए, और 5 लाख के अंदर यदि आपको चाहिए तो आपको कंपेयर करना है, उसमें से जो सबसे कम रेट में होगा उसको ही ऑर्डर देना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है रेट। हाँ ये तो ठीक है सर, मान लीजिए बायर ने पहले जिसका रेट ज्यादा है उसका सर्विस ऑलरेडी ले चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं दे सकता। ओके 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 सर, थैंक यू। चलिए तो हम लोग, हाँ ओके चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हमने आपको थोड़ा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताया, ये जेम के बारे में थोड़ा बता रहे थे, जेम के बारे में, पर टाइम थोड़ा ज्यादा ही जा रहा है इसलिए हम बाकी का भी जेम के बारे में थोड़ा स्टॉप करते हैं जानना, हम लोग आगे आगे इसके चलेंगे। चलो सबसे शॉर्ट में जेम का सिलेबस हम लोग थोड़ा सा कर देते हैं, हम आपको जेम में क्या क्या पढ़ाएंगे। इसमें भी रिवर्स ऑप्शन है, फॉरवर्ड ऑप्शन है, हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जेम पे रजिस्ट्रेशन, जैसे कि साइन अप करते हैं एज ए बायर और एज ए सेलर, दोनों का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले सेलर का रजिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा, फिर बायर का रजिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा, दोनों का रजिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे। फिर हम लोग रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद इसका प्रोफाइल कंप्लीट, जैसे कि हमारा कोई भी चीज का प्रोफाइल होता है तो हम इसका प्रोफाइल कंप्लीट करने का हम आपको बताएंगे। जैसे कि मैं लॉग इन करके थोड़ा दिखा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे सिलेबस समझा रहा हूँ मैं आपको। हमारा सिलेबस का कंटेंट क्या होगा, जनरली आपको इसका डिटेल्स मिल गया होगा व्हाट्सएप पे, फिर भी मैं आपको सिलेबस समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे अपना प्रोफाइल है माय अकाउंट में, यहाँ पे प्रोफाइल्स में अपने को सभी डिटेल्स पता होगा,
क्या प्रोफाइल्स में हम इसको कंप्लीट कैसे करेंगे। जब भी जेम पे आप काम करेंगे सबसे पहले आपको प्रोफाइल कंप्लीट करना पड़ता है, जैसे पेन वैलिडेशन, कंपनी डिटेल्स, ऑफिस लोकेशन, बैंक अकाउंट, इनवॉइस डिक्लेरेशन, एमएसएमई, स्टार्टअप, टैक्स असेसमेंट जिसको हम लोग आईटीआर बोलते हैं। सिर्फ करंट ईयर का आईटीआर का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। डीओ ऑर्डर कंप्लायंस, माय एक्शन में दो पार्ट है, रीसेलर पैनल और वेंडर असेसमेंट। यदि आप यहाँ पे ओएम बनना चाहते हैं तो ओएम पैनल, वेंडर असेसमेंट एंड रीसेलर पैनल, ऐसे दो है। पर्सनल सेटिंग में पासवर्ड चेंज करना, ईमेल आईडी बदलना, अपडेट ईमेल करना और अपने अकाउंट को क्लोज करना। माय टीम में आप अपने एज ए सेकेंडरी यूजर भी बना सकते हो। तो इतने सारे इसमें पार्ट है, तो ये सभी चीजें हम लोग पहले डे फर्स्ट डे के सेशन में देखेंगे, प्रोफाइल को पूरा कंप्लीट करने तक। उसके बाद आएंगे हम लोग कैटलॉग। कैटलॉग में प्रोडक्ट का कैटलॉग, प्रोडक्ट का कैटलॉग तीन तरीके से बनता है, एक नया, एक क्लोन, मतलब कोई भी चीज है, प्रोडक्ट है, कोई पेन ड्राइव बेच रहा है और हम इसको कॉपी कर लेंगे, इसको बोलते हैं क्लोन, क्लोन करना और पेयरिंग करना। ऐसे तीन तरीके से प्रोडक्ट बनता है, तो तीनों तरह का कैटलॉग में प्रोडक्ट का तीनों तरीके का देखेंगे। सर्विस में एक ही तरह बनता है, नया ही डालना पड़ता है, तो सर्विस का कैटलॉग बनाना। उसके बाद आएंगे कॉज एंड मनी। डेस्कटॉप में आप लोगों को जनरली पता है जेएम के कुछ कंडीशन होते हैं, जेएम पे पहले आपको अकाउंट रजिस्टर करने के बाद कॉज एंड मनी डालना पड़ता है, तो कॉज एंड मनी की लिमिट जो भी होगी वो कॉज एंड मनी आपको डालना पड़ेगा। जैसे मेरे 5000 की लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है 5000, तो आपको 5000 यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस होना चाहिए, तो ही आप जेएम पे काम कर पाएंगे। तो कॉज एंड मनी कैसे डालते हैं, इसके क्या क्या रीजन है, ये सभी चीजें हम लोग कॉज एंड मनी में देखेंगे। ये आता है कॉज एंड मनी, कैटलॉग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, कॉज एंड मनी। उसके बाद आएंगे हम लोग कोई भी ब्रांड को रजिस्टर कैसे करते हैं। यदि आपका ब्रांड जेम पे नहीं है तो उसको आप रजिस्टर कैसे करोगे, ब्रांड रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। यदि आपके कोई प्रोडक्ट के कैटेगरी नहीं है तो कैटेगरी के लिए रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हो, कैटेगरी रिक्वेस्ट का प्रोसेस। कैटेगरी फाइंड आउट कैसे करोगे, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे गैदरिंग करोगे मार्केट से, मुझे कोई भी प्रोडक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। बीड के बारे में, बीड जैसे मैंने अलग अलग टाइप का आपको बीड बनाया, हर एक टाइप का बीड को पढ़ना, उसके डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन करना और उस टेंडर को भरना, ये सभी चीजें हम लोग बीड में देखेंगे। बीड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है भरते वक्त, ये भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आता है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स यदि आपको कोई ऑर्डर्स आते हैं तो उसको ऑर्डर को एक्सेप्ट करके उसका इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं। और पीआर, परचेज रिक्विजिशन क्या होता है और परचेज रिक्विजिशन में हम कैसे काम कर सकते हैं, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये हमारा होगा जेएम के सेलर के सिलेबस। बायर के सिलेबस में बायर का रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने बोला डायरेक्ट परचेस 25,000 से नीचे का परचेस का प्रोसेस, L1 परचेस, बीड बनाने का प्रोसेस और बायर का रजिस्ट्रेशन, वहां पे प्राइमरी यूजर, सेकेंडरी यूजर, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, ये सभी प्रोसेस के बारे में हम लोग देखेंगे। ये बायर के पार्ट में, ये पूरा हमारा सिलेबस रहेगा। साथ में अभी नया जेम पे आया है रिवर्स ऑक्शन एंड फॉरवर्ड ऑक्शन, तो हम लोग यहाँ पे तो उन्हों को थोड़ा बेसिक पार्ट में देखेंगे, फॉरवर्ड ऑक्शन क्या होता है, रिवर्स ऑक्शन क्या होता है और इसका हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे। ये हमारा पूरा सिलेबस है। बोलिए, सिलेबस के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। ओके, सबसे पहला हमारा यहाँ रहेगा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस।